ये हमारे हेमंत भाई जो कि डीजल डाल रहे हैं। नमस्ते भैया। तो अभी सुबह ही सुबह हेमंत भाई के साथ ली जा रही है चाय की चुस्की पेट्रोल पंप पे। तो आज पूरा दिन भी तो मैं यहीं पर रहोगे ना? नहीं, ड्यूटी चेंज। शो गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे ट्रेवलिंग के दीवानों? वधिया अपा वो वधिया। तो अभी हम निकल रहे हैं ओरछा फोर्ट देखने के लिए, जो कि काफी रहस्यों से भरा हुआ है। आप लोगों का साथ में ही लेके जाना है ये दोनों। बहुत बढ़िया, ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा जौरासी टेम्पल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जौरासी टेम्पल और बाकी के लोग गए अंदर दर्शन करने के लिए। और जौरासी टेम्पल की मान्यता बहुत ज़्यादा है और जो भी यहाँ से निकलता है वो बाबा के चरणों में सर झुका के जाता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राम जी के दरबार में और बाकी सब लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए। अभी पिछली बार जब मैं इधर आया था तो हमसे एक चीज़ मिस हो गई थी, जो कि था ओरछा फोर्ट। तो इस बार हम लोग देखने चलेंगे ओरछा फोर्ट। तो अभी हमने महल में एंट्री कर ली है और हम जा रहे हैं दीवाने आम देखने, जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाया है। और ये रहा हमारे राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा अपनी प्रजा से बात किया करते थे यहाँ बैठ के। आपने जो अभी देखा था वो था दीवाने आम और अभी जो आप देख रहे हैं वो है दीवाने खास। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है राजा के बैठने की जगह और प्लस ये सामने है रानी के बैठने की जगह। तो अभी मैं हूँ महल के थर्ड फ्लोर पे, जहाँ से सामने देखने पर रामजी टेम्पल और बैतवा नदी दिखाई देती है। और ये सब देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और इसको देख के मानना पड़ेगा कि उस ज़माने में भी इतने बेहतरीन इंजीनियर हुआ करते थे। और ये रहा आपके सामने शीश महल, जो कि अब एक होटल में तब्दील हो चुका है। और अभी हम एंटर करने वाले हैं जहांगीर महल के अंदर, जो कि काफ़ी सुंदर कलाकृतियों से भरा हुआ है।
तो ये है महल का फ्रंट गेट, और अभी हम जहाँ से आए थे वो था महल का पीछे वाला गेट जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो महल का रास्ता, पहले ये हुआ करता था जो ऐसे घूम के जाता है पूरा उधर तक, और वहाँ जो आपने सामने पांच गेट देख रहे हो, और ये जो आप पांच गेट देख रहे हो यहाँ से एंट्री होती थी महल के लिए। और फोर्ट घूमने के बाद जैसे ही मैं अपने घर आया तो मुझे पता चलता है कि आज माता विसर्जन किया जाना है। तो फिर क्या था, मैं भी सब लोगों के साथ में शामिल हो लिया, और माता रानी आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो। जय हिंद।